5 June, today top headlines, current affairs in LICU daily knowledge. आज का सुविचार व्याख्या, ज्ञान अतीत की व्याख्या करने के लिए नहीं बल्कि भविष्य का निर्माण करने के लिए होता है. आज का दिन टुडेज डे 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस. हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का मुख्य कारण है व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति सचेत करने का. हम इंसानों और पर्यावरण के बीच बहुत गहरा संबंध है. प्रकृति के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है. सन 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव रखी. तब से लगातार हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है. विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई. यहां 1972 में पहली बार पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 119 देशों ने भाग लिया. लॉकडाउन के कारण प्रदूषण कम हो इसलिए इस बार पर्यावरण दिवस पिछले वर्षों से अलग होगा. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2020 की थीम समय और प्रकृति है. क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, कल का प्रश्न, हाल ही में विकास देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है. और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ईरान. जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए चीन. टुडे टॉप 10 हेडलाइंस. हेडलाइंस नंबर 1, अनुभवी राजनयिक और विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है. वर्तमान में रवीश कुमार विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर कार्यरत थी. रवीश कुमार फिनलैंड में भारत की राजदूत वाणी राव का स्थान लेंगे जिन्हें वर्ष 2017 में इस पर पद पर नियुक्त किया गया था. रवीश कुमार 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं. हेडलाइंस सेकंड, 3 जून 2020 को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 10 क्षेत्रों की पहचान की जहां आयात में कटौती की जानी है. इसमें कपड़ा, गहने, मोबाइल, रत्न, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी आदि शामिल हैं. भारत सरकार ने हाल ही में जूते, फर्नीचर और एयर कंडीशनर में आत्मनिर्भर बनने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को बदल दिया है. सरकार ने 10 अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने के लिए भी योजना तैयार की है. हेडलाइंस थर्ड, 2 जून 2020 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत सरकार ने सिंचाई और जल संरक्षण के लिए संपत्ति बनाई है. इसके अलावा मनरेगा के तहत कृषि की मदद के लिए व्यक्तिगत संपत्ति बनाई गई है. कोविड-19 के दौरान मनरेगा को सर्वाधिक धनराशि आवंटित की गई थी. भारत सरकार ने लगभग 61,500 रुपए आवंटित किए. साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ₹40,000 रुपीस की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई थी. हेडलाइंस 4, 3 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है. पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को बेहतर बनाने के लिए देशों के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. यह समझौता भारत और भूटान के बीच दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा. हेडलाइंस 5, 4 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ एक आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. यह भारत द्वारा आयोजित होने वाला पहला वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन है.
दोनों नेता को भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध पर एक व्यापक रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता को कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर करेंगे। प्रमुख समझौते सैन्य रसद सुविधाओं के आपसी बंटवारे से संबंधित है। हेडलाइन 3 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने का अनुमोदन किया है। बंदरगाह का नाम बदलने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 11 जनवरी 2020 को की थी। अक्टूबर 2019 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर चेनानी नसारी सुरंग पर नाम बदल दिया गया था। यह सुरंग जम्मू और कश्मीर की सबसे लंबी और NH-44 स्थित है। हेडलाइन 7 उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने हाल ही में मेक इन इंडिया पहल को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए सार्वजनिक खरीद आदेश को संशोधित किया। आदेश के अनुसार DPIIT ने वर्ष 2020 से 2021 के लिए स्थानीय सामग्री की न्यूनतम 60% खरीद, वर्ष 2021 से 2023 के लिए 70% और वर्ष 2023 से 2025 के लिए 80% निर्धारित की है। यह रसायन और पेट्रोकेमिकल पर लागू होता है। हेडलाइंस 8 2 जून 2020 को रक्षा मंत्रालय ने OMB आयुध निर्माणी बोर्ड 156 BMP इन्फेक्ट्री कॉम्बैट व्हीकल का ऑर्डर दिया। यह मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए किया गया। तेलंगाना के मेडक में स्थित आयुध कारखाने द्वारा 1094 करोड़ रुपए की लागत से ICV का निर्माण किया जाएगा। ICV का निर्माण 2023 तक पूरा हो जाएगा। हेडलाइंस 9 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की अमेरिका सितंबर 2020 तक G7 शिखर सम्मेलन को स्थगित कर रहा है। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप जी G7 समूह को G10 या G11 तक विस्तारित करने का विचार कर रहे हैं। 2 जून 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टेलीफोनिक बातचीत के माध्यम से G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय PM मोदी को आमंत्रित किया। दोनों नेताओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन के हालिया स्टैंड ऑफ पर चर्चा की। हेडलाइंस 10 हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी के लिए औषधि कोष आयोग की पुनः स्थापना की। इस आयोग पर वर्ष 1975 उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थापित दो केंद्रीय प्रयोगशाला भारतीय औषधि के लिए औषधि कोष प्रयोगशाला और होम्योपैथिक औषधि कोष प्रयोगशाला का विलय किया गया। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2010 में स्थापित भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी के लिए औषधि कोष आयोग स्वतः शासी संगठन है। क्वेश्चन दड़े आज का प्रश्न, हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा, ऑप्शन बी मिताली राज, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन डी पूनम रावत। अगर इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आखिर इसका जवाब क्या होगा, और ये भी बताइए सेशन आपको कैसा लग रहा है। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। कॉन्टेस्ट से जुड़े रहिए। कॉन्टेस्ट से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।